तो स्वागत है आपका नए दिन में। चियांगमाई में है हमारा आज दूसरा दिन और अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। 200 बात का यहाँ पे ब्रेकफास्ट था, हमने लिया नहीं था, तो मैंने सिर्फ चेक करने आया था कि यहाँ पे क्या है ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में कुछ खास तो नहीं था, इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट के नाम पे कुछ पाद थाई, फिर बॉयल्ड राइस, पॉरिज, फिर फ्राइड एग, टॉस, फ्रूट्स, कुछ ऐसे ही थे। तो 200 बात देकर ये खाना, तो इसके लिए अब मैंने नहीं लिया। अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे और बाहर से मैं अपने रूम के बाहर के जो व्यू है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर पूरा जो माउंटेन है ना उसके ऊपर पूरा बादलों की चादर फैली हुई है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक्चुअली होटल मेरे को बहुत अच्छी लगी और यहाँ से ये होटल सेंटर में है और यहाँ से आपको जहाँ पे भी जाना है लोकेशन पे तो बहुत इजी है। और यहाँ पे नीचे ही आप रिसेप्शन से बाइक रेंट पे ले सकते हो और वापस दे सकते हो। 24 घंटे का 300 बात बोल रहा था पर हमने 250 बात में क्लियर किया था, जो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूम से कितना बढ़िया सा व्यू आ रहा है, माउंटेन व्यू। कल तो वो नहीं आ रहा था क्योंकि कल रात को इतनी बारिश हुई और पूरी रात बारिश हो रही थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी झरमर झरमर जैसी बारिश हो रही है। पर वेदर क्या बोलते हैं वो कोल्ड हो गया है। ये देखिए पूरे बाहर का व्यू, ये पूरे बादल से ढक गया है ये पूरा माउंटेन। और ये देखिए बादलों भी काले काले हैं। तो यहाँ पे रात को इतनी बारिश हुई थी, ये देखिए। यही होटल हमको वहाँ से जो हम गए थे कल सुबह, वहाँ पे गए थे ना हम डॉई सुई सिटी व्यू पॉइंट, तो वहाँ से ये होटल दिख रही थी। और यहाँ पे रेसिडेंस एरिया भी है, तो बहुत सारे घर भी है यहाँ पे। नीचे ब्रेकफास्ट में तो कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, तो अभी हम लाए हैं घर से थेपला, जो हर एक गुजरातियों की शान होती है, थेपला और ये चटनी। तो वही खाएंगे और ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाएंगे नहा धो के। अभी तो वेदर ऐसा हो रहा है ना कि मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी जा पाएंगे, ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी बीच में ही। पर हमने अभी तो रेनकोट भी नहीं लिया है, तो पहले जाएंगे सुपरमार्केट में रेनकोट लेंगे फिर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना आधे रास्ते में बारिश हो जाएगी तो सब भीग जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि भाई। और यहाँ पे कोई शेल्टर वेल्टर होता नहीं है क्योंकि हाईवे होता है, फिर माउंटेन पे चढ़ाई होती है तो कहाँ पे रुकते। तो ऐसा करेंगे पहले रेनकोट का बंदोबस्त करेंगे क्योंकि छतरी तो चलने वाली है नहीं बाइक पे, तो देखते हैं और मज़ा लेते हैं एटमोसफियर का। दो जगह पे जाने के सोच रहे हैं पर अभी भी कन्फर्म नहीं है। एक कोई एंजल वाटरफॉल करके है, स्टिकी वाटरफॉल, और एक दूसरी जगह पे है जहाँ पे हमने कल बुक किया था जंगल रोलर कोस्टर, वहाँ की टिकट हमने ले ली थी। तो टोटल हमको जो दिखा रहा है यहाँ से 1 घंटा दूर है, तो हर एक चीज़ यहाँ से 40-50 किलोमीटर के अंतर पे रहेगी। यहाँ पे एलिफेंट सेंचुरी भी है, तो यहाँ पे आप एलिफेंट के साथ नहा सकते हो, उनके मंकी को खाना खिला सकते हो, एलिफेंट को भी खाना खिला कर सकते हो। और यहाँ से सुबह से ही आपको एक टूर अरेंज करनी हो तो वो भी कर सकते हो, टेम्पल टूर करके होती है वो, आपको 4-5 टेम्पल को लेकर जाती है और फिर वापस आपको छोड़ देगी आपके। और हाँ उसमें लंच इंक्लूड होता है। और उसकी टोटल प्राइस कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2,000 से 2,500 बात कि पर पर्सन की ये कॉस्ट होती है, पर वो आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि अभी क्या है ना ऑफ पीक है, तो आपको कम में मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे ये लोग लिखते हैं कि 2,000 वाट पर पर्सन, 2,500 वाट पर पर्सन, तो आपको बार्गेनिंग करनी है। और आपके अगर 3-4-5 बंदे हैं ना तो आराम से आपको सस्ते में हो जाएगा। अगर नहीं करनी है तो हमारी तरह बाइक पकड़ लो या कार रेंट करके भी वो जगह पे जा सकते हो। और वो वहाँ की जो नॉमिनल टिकट्स होती है ना वो आप टिकट का पैसा देकर आप वो चीज़ एंजॉय कर सकते हो। ज़्यादातर जो टेम्पल्स होते हैं ना वो उसमें एकदम नॉमिनल चार्ज होता है। अभी कल गए थे ना डॉई सुटेप,
वहाँ पे सिर्फ 30 बाथ था, तो 30 बाथ मतलब हो गया 65-70 के करीब रुपीस। तो आप जाके वो टेम्पल एन्जॉय कर सकते हो। तो अभी हम बाहर होटल से निकल चुके थे, और जैसे ही हम बाहर निकले थे और कुछ 10 मिनट ही ड्राइव की थी तो हमको पुलिस वाले ने रोक लिया और यहाँ पे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया। लकी हमने हेलमेट पहना था, क्योंकि कल रात को हमने हेलमेट भी नहीं पहना था, क्योंकि हमने देखा था कि कभी भी यहाँ पे पुलिस चेक नहीं करती है, क्योंकि पुलिस वाले हमने देखे ही नहीं थे। तो हमको लगा कि हम ऐसे ही घूम सकते हैं, पर ऐसा नहीं था। अच्छा हुआ था हमने हेलमेट पहना था और मेरे पास सिंगापुर का ड्राइविंग लाइसेंस था। तो मेरे जो दूसरे दोस्त थे ना, उसके पास इंडियन लाइसेंस है, तो इंडियन लाइसेंस यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास सिंगापुर का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हैं, जो भी आपका लाइसेंस होगा, टू बी होगा या कार का होगा, वॉट एवर। पर हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, वरना फ़ाइन भरना पड़ेगा। अभी कितना फ़ाइन है तो वो तो मेरे जो दोस्त आएंगे वही पता चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है पुलिस खड़े हुई। ये देखिए यहाँ पे है पुलिस खड़ी हुई, और ये जो बाजू में मेरे दो दोस्त भी खड़े हुए हैं, तो लोगों यहाँ पे लोगों को पकड़ रही है पुलिस, और हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, हमारे दोस्त की वेट कर रहे हैं। ये पार्सल था। अभी हम आए थे चांगमाई टर्मिनल 2 पे। यहाँ पे टोटल 3 टर्मिनल है। चांगमाई टर्मिनल 1 बस स्टॉप है ना, बस टर्मिनल। चांगमाई बस टर्मिनल 1 पे सिर्फ नॉर्थ लोकली जो जाती है वही बस जाती है। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे बैंकॉक, चांगराई, चांगमाई से दूर बहुत सारी जगह पे जाती है। तो यहाँ पे हम आए हैं चांगमाई टर्मिनल 2 पे, और हमने कल सुबह की 9:15 बजे की बस बुक की है। VIP का प्राइस है 315 बाथ, और नॉर्मल जो है उसका प्राइस है 206 बाद। उसमें सिर्फ सीट का फ़र्क है, बाकी बस तो सेम ही आएगी, AC वाली होगी, पर VIP सीट थी ही नहीं, क्योंकि 8:45 की जो बस है ना उसमें VIP सीट नहीं थी, तो हमको नॉर्मल ही सीट लेनी पड़ी। अगर हम VIP सीट लेते तो हमको 3:30 बजे की थी उसमें जाना पड़ता, तो वो तो फिर कोई जाने का मतलब ही नहीं था। तो इसके लिए हमने कल सुबह की 8:45 की फ्लाइट बस की टिकट ले ली है। रोलर कोस्टर वो पहले जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो टिकट परचेस कर ली है, अगर वहीं नहीं जाएंगे तो फिर फालतू में वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम हमारी डन्नों को निकालते हैं। डन्नो, गर्मी है यहाँ पे तो सनस्क्रीन लेके आना, धूप में तो हम काले हो चुके हैं सारा। अरे भाई साहब, हमारे होटल से 40 किलोमीटर दूर है ये एडवेंचर पार्क। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कल क्लुक पे टिकट बुक कर ली थी रोलर कोस्टर की, और यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जंगल कोस्टर है, क्विक जंप हो गया, जंगल बाइक, ये सारी चीज़ें आपको क्लुक पे भी अवेलेबल है, और यहाँ से भी आप किसी टूर एजेंट के पास से ले सकते हैं। तो अभी हमने ली है, तो अब चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है रोलर कोस्टर और कैसा एक्सपीरियंस होता है। हमारे होटल से हमको लगे 1 घंटा। वो कुछ ऐसा है, वहाँ जाके दिखाते हैं। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 300 टिकट फॉर कोस्टर। यहाँ पे जो हमने टिकट की इंक्वायरी की वो है 300 बार पर पर्सन रोलर कोस्टर की, और हमने क्लुक पे बुक की 60 सिंगापुर डॉलर, जो करीब होते हैं
450 रुपये, और ये है यहाँ की टोकन। और अगर आप तो ये वाउचर बुक कर रहे हैं तो हम उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं। क्या बोल रहे हो? अगर आप एजेंट के थ्रू बुक कर रहे हैं हमारे थ्रू, तो हम आपको इसमें भी डिस्काउंट दे सकते हैं। हाँ, ये डीपीएस भाई ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर ली है, मैं उसका नंबर भी डाल दूंगा, आप उसके पास से भी पैकेज बनवाना तो बनवा सकते हैं। और किसी को सेम मज़ा लेना हो बाय चांस तो मनाली है, मैं दिलवाता हूँ। ये भाई है हमारे होटल मनाली में, एम एम होटल के मालिक। तो इनका जो हिमाचल प्रदेश में शिमला मनाली वहाँ पे उनका होटल है, तो इनकी भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हिमाचल प्रदेश उस साइड कोई भी पैकेज करवाना चाहते हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी हम बैठ चुके हैं यहाँ पे। ब्रेक कौन सी है? दिस वन। बहुत मज़ा आ गया। अभी मुझे लगता है कि दूसरी बार भी करना चाहिए, पर अभी क्लब पे मिलेगी नहीं, कल की ही बुकिंग मिलेगी, आज की बुकिंग नहीं मिलेगी। तो आपको अगर जाना है कल या परसों तो फिर एक दिन या दो दिन पहले ही आप बुक करवाना। अगर आप आज जाना चाहते हो तो आज कभी भी करना, क्योंकि आपको क्लब पे मिलेगी ही नहीं बुकिंग। और यहाँ पर कुछ कैफेज़ भी है, तो आप यहाँ पर बैठ के कैफेज़ में बैठ के चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। यहाँ ऊपर भी एक कैफे है। और नीचे वाटरफॉल का पानी आ रहा है, ऊपर वाटरफॉल भी है तो ऊपर से नीचे पानी आ रहा है। चलो आ गए। नीचे उतरते समय हमको एक ऐसी रेस्टोरेंट दिखी, तो हमने सोचा कि चलो जाके देखते हैं कि क्या है खाने में। तो हमने कुछ सोचा है कि भाई वहाँ पे कुछ फ्राइड राइस जैसा कुछ मिलता है, पर हमको सबसे ज़्यादा लोकेशन अच्छा लगा। ये देखो यहाँ पे पूरा रिवर है और यहाँ पे बैठने का है, यहाँ पे बैठ के आराम से खाओ, हमारे सिवा और कोई है ही नहीं। तो सोचा हमने कि चलो बैठ के मस्त चिल करते हैं और रिलैक्स करके खाना खाते हैं। यहाँ पे ऐसी झोपड़ियाँ बनी है, तो हम यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे लाइक अ पिकनिक, दिस प्लेस इज लाइक अ पिकनिक इन चांगमाई, लाइक लोकल लाइक। ओहो, ये देखिए क्या मज़ेदार व्यू है। हमारे रास्ते में एक टेंपल आया जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में मस्ट विजिट में था, कुछ वाट पा दारा फिरोम करके कुछ नाम है। हमको भी अच्छा लगा तो हमने सोचा कि चलो आके एक बार थोड़ी विजिट मारते हैं। और 4.8 स्टार मिले थे गूगल रिव्यू पे और 5000 लोगों ने इसको विजिट किया था और कमेंट किया था उसके नीचे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसा है। ये है कुछ इसका यहाँ पे एंट्रेंस,
और ये ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन है, पहले ये अंडर कंस्ट्रक्शन था फिर अभी बन चुका है। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना है। और ये कुछ ऐसा है यहाँ का टेंपल जैसा व्यू। यहाँ पे इतने कोई टूरिस्ट है नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे आना हो आ सकते हो, नहीं आना हो नहीं आ सकते हो, अगर टाइम हो तो आओ, नहीं टाइम हो तो कोई और एक्टिविटी करो। यहाँ पे एलिफेंट सेंचुरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, और ये ऐसा कोई है नहीं। और यहाँ पे कुछ है जो इन लोगों में मुर्गा, जो हम मुर्गा चढ़ाया हुआ है किसी बड़े छोटे, अभी पता नहीं इसका भी कुछ होगा। यहाँ पे सब कुछ थाई लैंग्वेज में लिखा है, तो पता नहीं है कि गूगल ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे पूरा, ये बड़े बड़े भी है यहाँ पर, देखो बड़े बड़े सामने छोटे से पीछे बड़े से छोटे से सब तक जाती है, छोटे छोटे से लेकर बड़े मुर्गे तक का यहाँ पे लोगों ने स्टैच्यू डोनेट किया है। अभी कोई मानता होगी यहाँ पे भी। मस्त है यार। एक्चुअली यहाँ आने तक का जो रास्ता था ना वो बहुत बढ़िया था, तो अगर आप बाइक लोगे ना तो ही आप ऐसे जो थाईलैंड में अनसीन जो प्लेसेस है उसको डिस्कवर कर पाओगे, वरना क्या है आप टूर लोगे सुबह 8-10 बजे वो आएगा आपको कहीं पे 4-5 जगह पे घुमा देगा, आपको वापस होटल पे रख देगा, तो आपको लगेगा कि ये देखो ये इतना ही है चांगमाई में, पर चांगमाई में बहुत सारी जगह होती है, चांगराई में बहुत सारी जगह होती है। तो आपको अगर टाइम है आपके पास तो बाइक लेके निकल जाओ, गूगल मैप में सर्च करो डेस्टिनेशन कोई भी डाल के फिर घूमते रहो यहाँ पे,